नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत गुप्ता स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्लानर एंड मेकर में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही खूबसूरत 2 BHK फ्लैट। इस फ्लैट के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताने और दिखाने वाला हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ऑन कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे इस खूबसूरत 2 BHK फ्लैट की, जिसका एरिया है 70 गज, विद लिफ्ट है, विद का पार्किंग है और दोस्तों फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी की जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर LIC से 6.9 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन अवेलेबल है। और दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है वेरी क्लोज टू मेट्रो स्टेशन और बहुत ही प्राइम लोकेशन है। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ हमारे इस खूबसूरत 2 BHK फ्लैट की, तो दोस्तों जितना खूबसूरत ये फ्लैट है उतना ही खूबसूरत इस बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन है, जिसमें आपको प्रॉपर टाइल का और पत्थर का वर्क हमने कर रखा है जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करता है। इवन दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो घर के आगे कंप्लीट आपको रोड है वो आपको RCC की रोड मिलती है, जो कि 20 से 25 फुट की है और बहुत इजी अप्रोच है घर तक आने के लिए। इवन आपको हमारी तरफ से घर के अंदर आपको रिजर्व का पार्किंग का स्पेस है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी गाड़ी की पार्किंग के लिए। इवन आप लोग के घर में कभी कोई फैमिली फंक्शन होता है, गेट टुगेदर होता है, तो भी इतना स्पेस है कि आप लोग आराम से इसमें एम्पल गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो। तो दोस्तों ये है हमारी बिल्डिंग का पार्ट। अगर मैं बात करता हूँ इसकी लोकेशन की, बहुत ही प्राइम लोकेशन है और ये लोकेशन है सुभाष पार्क, जो कि मेट्रो स्टेशन से बहुत ही क्लोज है और हार्डली 600 से 700 मीटर का डिस्टेंस रहेगा और इजी अप्रोच है। तो दोस्तों जो फैमिलीज LIC वाले फ्लैट सर्च कर रही हैं, ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस पे LIC से मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि LIC इज़ द ओनली कंपनी हमारे यहाँ उत्तम नगर में जो 6.9 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रही है। तो जो इसका प्राइस भी है दोस्तों बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, जो मैं वीडियो के आखिरी में ज़रूर बताऊँगा, तो वीडियो पूरा देखना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको मैक्सिमम लाइक करना और मैक्सिमम शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी ये सपना का घर बन जाए। तो ज़्यादा देर ना करते इस खूबसूरत फ्लैट का होम टूर करते हैं, तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे प्रीमियम 70 गज के 2 BHK फ्लैट में। फ्लैट की एंट्री लेन से पहले मैं दोस्तों इसका समझाता हूँ एक बारी बिल्डिंग का लेआउट। ये हमारे एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, फ्रंट साइड पे 3 BHK, बैक साइड में 2 BHK। जो फ्रंट साइड का 3 BHK दोस्तों वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगा, तो स्टे ट्यून एंड से कनेक्टेड। बाकी अगर मैं बात करता हूँ अपने फ्लैट की एंट्रेंस की, तो दोस्तों जो लोग वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी घर अगर ढूंढ रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि अगर आप इस फ्लैट की एंट्री लोगे तो ये होगा ईस्ट फेसिंग और अगर आप एग्जिट लोगे तो ये होगा वेस्ट फेसिंग, जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार है और प्रॉपर वेंटिलेटेड है। तो दोस्तों अगर घर के अंदर एंट्री लेने से पहले मैं बात करता हूँ इसकी स्टेयर केस की, जो बहुत ही कम्फर्टेबल हमने डिज़ाइन कर रखा है और बहुत ही अच्छा इसके अंदर हमने वॉक कर रखा है, जिसमें आपको प्रॉपर स्टेयर्स पे मार्बल की हमने कहते काम कर रखा है। और अगर आप देखोगे तो दीवारों पे 4-4 फुट तक की टाइल्स हैं जो टिल रूफ हाइट तक चल रही हैं, जिससे दीवारें आपकी मेंटेन रहती हैं। और दूसरा जो सबसे अच्छा फैक्टर वो ये है कि इसके अंदर आपको यहाँ पे लाइट्स मिलती हैं, फुट्स लाइट्स, जो रात में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं घर में यूजली जब आप लोग अप एंड डाउन इसको यूज़ करते हो। बाकी दोस्तों ये था हमारा एंट्रेंस का पार्ट, जिसमें एंट्रेंस पे आपको लोहे का गेट ऑलरेडी हमारी तरफ से लगा हुआ मिलेगा। और अगर मैं बात करता हूँ इसके गेट की, तो दोस्तों बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी का फ्लैट है, तो उतना ही प्रीमियम कैटेगरी का गेट है, जो बिल्कुल एक यूनिक लुक देता है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का इसमें हैंडल लॉक हमने यूज़ कर रखा है।
तो ज़्यादा देर ना करते सीधा फ्लैट की एंट्री लेते हैं, तो कम इनसाइड। तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस फ्लैट में। अब हम खड़े अपने फ्लैट की एंट्री पे, ये हो गया हॉल। तो दोस्तों जैसे ही कोई आपके घर में गेस्ट आता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है, वो हॉल देखता है। तो इसका बहुत ही स्पेशियस हॉल है जिसमें आप आराम से अपना 7-8 सीटर सोफ़ा प्लेस कर सकते हो एल टाइप में विदाउट एनी हैसल और विद सेंटर टेबल। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इसकी फ्लोरिंग की, तो बहुत ही खूबसूरत इसकी हमने टाइल्स यूज़ कर रखी हैं, जो ड्राइंग रूम के अंदर आपको कहते हैं प्रॉपर आइवरी पैटर्न के अंदर टाइल्स हैं, और ये एंटी स्किड है और स्क्रैचलेस है। तो दोस्तों ये था फ्लोरिंग का पार्ट। और अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर आपको हमारी तरफ से क्या क्या एमिनिटीज़ मिल रही हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर हमने मॉडलर स्विचेस यूज़ कर रखे हैं जो कि अंडर वारंटी हैं, कोना कंपनी के हैं। आपको ड्राइंग रूम के अंदर स्प्लिट एसी की वायरिंग फिटिंग ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने सिर्फ एसी लाना और इंस्टॉल करना है। और आपको दूसरा तीसरा जो सबसे अच्छा फैक्टर ये है कि इसमें आपको इंटरकॉम फैसिलिटी भी है। अगर कोई गेस्ट आपके घर में आता है और बाहर पार्किंग वाले गेट पे खड़े होकर रिंग करता है तो आपको इंटरकॉम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये बात अगर मैं करता हूँ इसकी ड्राइंग रूम की, तो ड्राइंग रूम के अंदर अगर आप जैसा देखते हो तो बहुत ही खूबसूरत इसका वॉलपेपर हमने डिज़ाइनर यहाँ पे लगा रखा है 3D पैटर्न पे, जो कि वॉशेबल है। प्लस दोस्तों ये अभी हमारा सैम्पल फ्लैट है, तो ये हमारी चॉइस का अगेन पेंट एंड वॉलपेपर हमने कर रखा है। ऊपर के फ्लैट अभी हमारे रॉ हैं, तो अगर आप लोग अपनी चॉइस पे कुछ काम कराना चाहो वो आप करा सकते हो, वो कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। तो दोस्तों जैसा आप ड्राइंग रूम की बात देखते हो, तो सोफा सेटिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बहुत ही ह्यूज टीवी पैनल यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, जिसमें आप अच्छा खासा अपना होम थिएटर प्लेस कर सकते हो। और अच्छी खासी आपको शेल्फ्स हमने यहाँ पे लगा रखी हैं, जिसमें आप अपना कहते हैं डेकोरेटिव स्टफ हो गया या फिर सेटअप बॉक्स हो गया, अदर स्टफ अगर आप रखना चाहो आप रख सकते हो। प्लस नीचे आपको दो कैबिनेट्स मिल जाती हैं स्टोरेज के लिए जो कि ओपनेबल हैं, उनमें भी अगर आप अपना कोई पेपर वर्क हो गया, अदर स्टफ हो गया रखना चाहो आप रख सकते हो। तो दोस्तों ये था हॉल का पार्ट। अगर मैं बात करता हूँ हॉल को, और दूसरा सबसे अच्छा फैक्टर वो इसकी जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आपको ये लगा के चलो प्लेजेंट है, जिसमें कोई ज़्यादा पॉम्पेंट शो नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ही अच्छी खासी इसमें लाइट्स का कॉम्बिनेशन में ले रखा है जो कि वाइट और वार्म का कॉम्बिनेशन है। और जितनी खूबसूरत इसकी फॉल सीलिंग है उतनी खूबसूरत इसका एक पंखा है जो कि शैंडलियर फैन हमने दे रखा है। और दोस्तों ये ब्रांडेड है, ओरिएंट कंपनी का है, और ये वारंटी है 2 साल की वारंटी है। बाकी इस फैन को आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हो। ये लाइट्स होगी जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और ये आपका कहते हैं फैन का ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। तो हर टाइम आपको कहते हैं वहाँ से ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये है हमारा हॉल का पार्ट जो बहुत ही आपको खूबसूरत मिल रहा है और बहुत ही स्पेशियस मिल रहा है। और दोस्तों मैं एक चीज़ दोबारा बोलना चाहूँगा जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये कि ये फ्लैट हमारा LIC वाला फ्लैट है। तो जो फैमिलीज LIC से होम लोन लेने की प्लानिंग कर रही हैं और जो चाहती हैं हमें LIC से होम लोन मिल जाए, तो इस फ्लैट पे LIC से होम लोन अवेलेबल है, वो भी 6.9 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो जल्दी से आओ अपने सपनों के घर को बुक करो, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा फ्लैट आपको दोबारा नहीं मिलने वाला जो भी हमने इसको तैयार कर रखा है। तो दोस्तों ये था हमारा हॉल का पार्ट जो भी आपने देखा। अगर मैं बात करता हूँ जैसे मेरे बैकग्राउंड में देख रहा हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत इसकी किचन है, और जो हमने डबल टोन के अंदर इसकी सनमाइका वर्क हमने यूज़ कर रखा है, नीचे आपको प्रॉपर एक ब्राउनिश टच मिलता है, और ऊपर आपको प्रॉपर आइवरी पैटर्न का हमने सनमाइका यूज़ कर रखी है। इवन ऊपर भी अगर आप देखोगे तो प्रॉपर फोकस लाइट्स होगी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और अगर मैं स्टोरेज की बात करता हूँ, तो दोस्तों जितना स्पेस नीचे है उतना स्पेस ऊपर है स्टोरेज के लिए। नीचे हमारी प्रॉपर चैनल बास्केट्स हैं जिसमें आपको अपना कहते हैं प्रॉपर स्पेस है अपना कटलरी आइटम्स के लिए, मसाला बॉक्सेस के लिए, बोतल रैक्स के लिए प्रॉपर आपको स्पेस है। और जो दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज वही है कि इसमें आपको हमारी तरफ से अच्छी खासी पेंट्री है। अगर आप देख रहे हो पेंट्री तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, जिसमें आप अपना कहते हैं किचन से रिलेटेड जितना भी स्टफ है वो आप इसमें ईजिली रख सकते हो किसी हैसल के। तो दोस्तों ये था हमारा किचन का पार्ट जो भी आपने देखा और जो बहुत ही अच्छा है। और इसमें आपको जो किचन की स्लैब भी मिल रही है वो प्रॉपर यू शेप की मिल रही है, जिसमें आप अपना कहते हैं चिमनी का जो प्रोविजन है वो हमने यहाँ पे दे रखा है, जहाँ पे आप अपना गैस का स्टोव अगर रखते हो ये चिमनी होगी। चिमनी के लिए जो हमारा एग्जॉस्ट का पॉइंट है, सामने हमारी शॉफ्ट होगी जो टिल रूफ हाइट तक ओपन है। और दूसरा जो सबसे बड़ी एडवांटेज वही है कि यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा काउंटर टॉप मिलता है, जिसमें आप अपना माइक्रोवेव हो गया या मिक्सी होगी अगर ऐसा कोई आप आइटम रखते हो, तो वहाँ पे भी इजी स्पेस है। बाकी जो लोग फैमिली ये कंसर्न है कि हम फ्रिज के लिए कहाँ स्पेस है, तो दोस्तों फ्रिज के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर स्पेस मिलता है जिसमें आप आराम से अपना फ्रिज इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी हैसल के। तो ये था हमारा किचन का पार्ट, वो था हमारा हॉल का पार्ट। अगर आप किचन को भी देखोगे तो ऊपर हमने फॉल सीलिंग में बहुत ही खूबसूरत इसकी नीट एंड क्लीन फॉल सीलिंग है। अगेन इसमें भी आपको कहते हैं फैंसी लाइट्स मिल रही हैं, प्लस ऊपर आपको डल टोन में कॉम्बिनेशन है वार्म और वाइट का, जो इसको और ज़्यादा प्लेजेंट करता है व्यू को।
तो साथ में ये था हमारी किचन, वो था हॉल, और ये हो गया हमारा कॉमन वॉशरूम जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है और सारी बाथ फिटिंग इसमें इंस्टॉल है। कंप्लीट आपको वॉल टू वॉल टाइल्स मिलती है और आपको कहते हैं अच्छा खासा इसमें वेंटिलेशन के लिए विंडो है जिसमें आप अपना एग्जॉस्ट फैन इजीली प्लेस कर सकते हो। बाकी अगर आप देखोगे छत पे भी तो बहुत ही अच्छा खासा इसमें भी फॉल सीलिंग का वर्क हमने कर रखा है छत पे, जिसमें वार्म और वाइट का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉयलेट का पार्ट। जैसे हम टॉयलेट से बाहर आते हैं ये हो गए हमारे दो बेडरूम जो कि ये है बालकनी से कनेक्टेड, सॉरी इसमें आपको मिलती है विंडो जो कि बालकनी से कनेक्टेड है, और ये हो गया हमारा सेकंड बेडरूम, इसमें बालकनी में एक्सेस मिलता है। तो जो फैमिली एक स्क्वायर पैटर्न पे 2 BHK सर्च कर रही है, जो ये चाहती हैं कि हमें ऐसा फ्लैट मिले जिसमें दोनों बेडरूम्स को विंडो मिले, तो ये वो फ्लैट है। तो चलो सीधा पहले चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम में जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूनिक है। अगर हम बात करते हैं हमारे इस मास्टर बेडरूम की तो दोस्तों जो इसको हमने हाईलाइट करा है, हमने प्रॉपर इसको वुडन टाइल से हाईलाइट करा है जो कि आपको एक अच्छा खासा फील देती है मास्टर बेडरूम की। और इसका भी जो रूम साइज़ मिलता है वो मिलता है 12x10 का, अच्छा खासा कंफर्टेबल आपको रूम साइज़ है जिसमें आप 6x6 का बेड आराम से प्लेस कर सकते हो बिना किसी हैसल के। इवन आपके पास साइड में स्पेस है, आप चाहो तो अपनी अलमीरा लगा लो, आप चाहो तो अपने साइड टेबल्स लगा लो। बाकी अगर आप देखोगे मेरे बैकग्राउंड पे तो बहुत ही ब्यूटीफुल, इसमें भी 3D पैटर्न का वॉलपेपर हमने यूज़ कर रखा है और जो इसकी लुक को ज़्यादा इंप्रेसिव करता है, और बहुत ही खूबसूरत ऊपर आपको फॉल सीलिंग है अच्छी खासी, अगेन इसमें भी वार्म और वाइट का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों ये हमारा कहते हैं जैसे हम बात करते हैं अपने बेड जो यहाँ पे आप बेड रखते हो उसी के ठीक सामने हमने यहाँ पे टीवी पैनल दे रखा है जो काफ़ी बड़ा है। अगेन इसमें भी आप अपना होम थिएटर लगाना चाहो आप आराम से लगा सकते हो। बाकी वाइट और ब्राउन का हमने कॉम्बिनेशन ले रखा है। मास्टर बेडरूम की टाइल्स होगी, डोर का पैटर्न हो गया, इवन टीवी पैनल की सनमाइका होगी। चौकटों की पॉलिश भी देखोगे तो प्रॉपर इसको ब्राउनिश टच दे रखा है, एक बिल्कुल सेपरेट लुक दे रखी है मास्टर बेडरूम को। बाकी दोस्तों ये हो गया हमारा टेस्ट वेलकम बाथ, जिसमें अगेन सारी बाथ फिटिंग्स आपको लगी लगाई मिलती है। वॉल माउंटेड सीट होगी, टैब्स हो गए, शॉवर हो गया, आपको वॉल टू वॉल प्रॉपर टाइल्स होगी, और क्या कहते हैं ऊपर अगर आप छत पे भी देखोगे तो ऊपर आपको वाइट और वार्म का कॉम्बिनेशन है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी आपको विंडो है जिसमें आप अपना एग्जॉस्ट फैन इजीली प्लेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो मास्टर बेडरूम की बात करते हैं, अगेन यहाँ पे आपको विंडो मिल गई जिसमें आप यहाँ पे अपना विंडो एसी इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे 32 एम्पीयर की हमने MCB लगा रखी है। ये ओपनेबल विंडो होगी जो बालकनी से कनेक्टेड है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। तो ये था हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम से जैसे बाहर आते हैं ये है हमारा सेकंड बेडरूम जो कि है बालकनी से कनेक्टेड, और दोस्तों इसका जो रूम साइज मिलता है ये रूम साइज है आपका अप्रॉक्स 11x11, 11 फुट की विड्थ, 11 फुट की लेंथ, कंफर्टेबल रूम साइज है। अगेन इसमें भी आप 6x6 का बेड लगा सकते हो बिना किसी हैसल के। तो दोस्तों जैसे हम बात करते हैं अपने इसके अंदर, तो इसके अंदर जो फ्लोरिंग चल रही है वो टाइल हमारी ड्राइंग रूम की और इसकी बिल्कुल मैचिंग है जो मास्टर बेडरूम से बिल्कुल सेपरेट है। और अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही खूबसूरत इसमें भी वॉलपेपर हमने लगा रखा है जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा इंप्रेसिव करता है। और अगेन छत के ऊपर देखोगे तो बहुत ही अच्छी एक हैवी फॉल सीलिंग वर्क इसमें हमने कर रखा है। अगेन उसमें भी वाइट और वार्म का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, फैन ऑलरेडी इंस्टॉल है। और दोस्तों अगर आप देख रहे हो तो ये होगी आपकी अलमीरा जो कि प्रॉपर वॉल माउंटेड है और अच्छा खासा स्पेस है। इसके अंदर भी आपको कहते हैं हैंगर रोड की और नीचे आपको कहते हैं चैनल ड्रॉर होगी। अगर आप नीचे देखोगे तो प्रॉपर इसमें कैबिनेट्स हैं और नीचे एक ड्रॉर है शू रैक के लिए, और प्लस ऊपर भी आपको शेल्फ हमने दे रखी है अपना दस्तरख रखने के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी अलमीरा। अलमीरा से अगर आप देखोगे तो जब हम बेड लगाते हैं तो इवन यहाँ पे भी हमारे पास स्पेस है कुछ ना कुछ स्टफ रखने के लिए। बाकी जैसे हम अपना बेड लगाते हैं बेड के ठीक सामने यहाँ पे टीवी पैनल होगी, और इस टीवी पैनल को हमने ग्रे और वाइट के कॉम्बिनेशन में ले रखा है जो कि बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे है। अगेन इसमें भी प्रॉपर शेल्फ होगी स्टफ रखने के लिए, और आप चाहो तो इसमें भी 50 इंच का टीवी इजीली इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी हैसल के। और इसका मास्टर अपना कहते हैं मास्टर बेडरूम की तरह इसमें भी आपको प्रॉपर विंडो मिलती है जिसमें आपको विंडो एसी का प्रोविजन है अपना लगाने का, प्लस ये विंडो ओपनेबल होगी, और इसके लिए भी यहाँ पे 32 एम्पीयर की आपको MCB होगी जिसमें आप अपना कहते हैं पावर कनेक्शन दे सकते हो। तो ये है हमारा सेकंड बेडरूम। आप सीधा चलते हैं बालकनी में। तो अगर दोस्तों बालकनी में चलते हैं तो इसकी बालकनी भी अपने आप में बहुत अच्छी स्पेशियस है। तो दोस्तों अब हम आ गए अपनी बालकनी में। ऑल दो अभी कहते हैं शाम हो चुकी है, अंधेरा है तो इतना आपको व्यू मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप डे टाइम में आके देखोगे तो बहुत ही अच्छा खासा इसके अंदर आपको कहते हैं रोशनी है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हर टाइम लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ईस्ट फेसिंग फ्लैट है। दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी खूबी अगर आप देखोगे तो बैक साइड में भी जो रेलिंग है हमने, रेलिंग के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, प्रॉपर आपको ग्लास वर्क है। तो जो फ्रंट एलिवेशन पे काम है वो बैक पे काम हो रखा है। ऐसा नहीं है कि जो फ्रंट एलिवेशन करके अगर हमारी वो बिल्डिंग फ्रंट पे 3 BHK तो उसका रेट ज़्यादा है तो उसमें काम ज़्यादा होगा, पीछे का रेट कम है तो काम कम होगा, नहीं। हमारा ना वो थ्योरी है ना हमारा लॉजिक है,
तो जो काम फ्रंट का है वही काम बैक का है। तो आपको देख रहा है प्रॉपर, आपको कहते हैं इसकी ग्लास रेलिंग है, बाकी कपड़े सुखाने के लिए एंगल क्लॉथ ऑलरेडी लगा रखे हैं। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हो तो कंप्लीट आपको वॉल टू वॉल टाइल्स हैं जो दीवारें प्रॉपर मेंटेन करती हैं, इवन जब मौसम बदलता है तो उसे इंपैक्ट नहीं होगा। बाकी यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन का पॉइंट मिल गया, टैब हो गया, यहाँ पे आपको पावर का कनेक्शन हो गया, और ये है हमारा कहते हैं बालकनी का पार्ट। अगर आप देखते हो पीछे गली भी, तो अच्छी खासी गली है, 12 फुट की गली है, जिसमें आपको जो गैप मिल रहा है ये भी नाना करता है, आपको 7 से 8 फुट का गैप है, तो अच्छा खासा ओपनेबल है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन है। तो दोस्तों ये हमारा 70 गज का 2 BHK जो कि है विद लिफ्ट विद कार पार्किंग, और इस पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो यही है कि इस पे LIC से 6.9 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन अवेलेबल है। तो दोस्तों जो इसका प्राइस है वो हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर रखा है, आप जाके उसको गो थ्रेड कर सकते हो, उसमें कंप्लीट डिटेल्स हमने मेंशन कर रखी हैं, आपको क्या क्या हमारी तरफ से काम मिल रहा है, क्या उसकी लोकेशन है, क्या उसका प्राइस है। तो दोस्तों ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, और एल्स आप हमें हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। तो दिस इज पुनीत गुप्ता, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको अगली वीडियो में इसके फ्रंट का 3 BHK दिखाने वाला हूँ, जो बहुत ही अगेन वो भी प्रीमियम कैटेगरी का है। तो थैंक यू सो मच।